एक्रोसोम मेम्ब्रेन हमारी क्या करवाती है, जब उसका एक्जोसाइटोसिस होता है, कैल्सीमाइन कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने से स्पर्म सेल के अंदर, तो वहां एक्रोजाइम बाहर आते हैं और एक प्रोसेस और होती है एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान, एक्रोसोमल प्रोसेस का बनना। वो दोनों चीजें कैसे होती हैं अभी देखेंगे हम लोग, कि जब यहाँ कैल्सीमाइन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुआ और इस स्पर्म का एक्जेली के साथ कॉन्टेक्ट हो चुका है, तो क्या होता है यहाँ पे, इस तरह की कंडीशन होती है। ये एक स्पर्म सेल है, ये स्पर्म सेल है भाई, ठीक है। यहाँ क्या है, एक्रोजाइम मेम्ब्रेन, एक्रोजोम मेम्ब्रेन है, एक्रोजोम मेम्ब्रेन, ये स्पर्म मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक प्रो न्यूक्लियस है, स्पर्म का न्यूक्लियस है, और यहां होता है हमारा बिंडिंग प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? बिंडिंग प्रोटीन, बिंडिंग प्रोटीन, बिंडिंग प्रोटीन। और यहां हमारे कुछ एक्टिन मॉलिक्यूल होते हैं, एक्टिन मॉलिक्यूल, एक्टिन मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर हुआ क्या है, जो हमने लास्ट पार्ट में देखा कि कैल्सियमायन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई है, ये कैल्सियम आयन यहां एक्टिन मॉलिक्यूल के पास एक और प्रोटीन होता है, जिसको मैं थोड़ा सा लार्ज करके दिखाता हूं, रो बी प्रोटीन। यहां जो कैल्सियम आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई थी, जो कैल्सियम आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई, ये कैल्सियम आयन इस रो बी प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। जैसे ही बाइंड होते हैं तो ये रो बी एक्टिन मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, एक्टिन पॉलीमराइजेशन। और एक्टिन का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो एक्टिन माइक्रो फिलामेंट बनते हैं, एक्टिन माइक्रो फिलामेंट। और साथ में जो कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई, मैंने क्या बताया, वो एक्जोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोम मेम्ब्रेन करवाते हैं। हम इस तरह से इस चीज को दिखा सकते हैं भाई, कि एक्रोसोम मेम्ब्रेन का यहां एक्जोसाइटोसिस होना, ये एक एक्रोसोम मेम्ब्रेन है और इसके आउटर क्या है, स्पर्म मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। क्योंकि ये जो एक्रोजाइम एंजाइम था, ये एक्रोजाइम एंजाइम बाहर रिलीज हुआ, एक्रोजाइम एंजाइम, और साथ में क्या बनता है यहां पे, इस एक्टिन मॉलिक्यूल फिलामेंट के कारण एक हमारी एक्रोजोमल प्रोसेस बनती है। इस तरह से दिखा सकते हैं हम इस चीज को, इस तरह से कि एक एक्रोसोम प्रोसेस बनती है, इस तरह से, ये इसको बोलते हैं हम एक्रोसोम प्रोसेस, एक्रोसोम प्रोसेस। और इस एक्रोसोम प्रोसेस के बाहर हमारे बिंडिंग प्रोटीन बाइंड होते हैं, क्या है भाई यहाँ पे बाहर, बिंडिंग प्रोटीन, यहाँ इसका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है भाई। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में हुई कैसे एक्रोसोमल रिएक्शन, वो चीज देखो, जो कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुए थे, वो क्या करते हैं, स्पर्म मेम्ब्रेन का एग मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन करवाते हैं, जिससे एक्रोजाइम एंजाइम बाहर रिलीज होते हैं, और एक्रोजाइम बाहर आते हैं तो एग जेली को डाइजेस्ट कर देते हैं। दूसरा, जो कैल्शियम आयन अंदर इंक्रीज हुए, ये एक रो बी काइनेज होता है, इस रो बी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, जो एक्टिन मॉलिक्यूल से बाइंड करके यहां एक्टिन का पॉलीमराइजेशन करवाता है, एक्टिन पॉलीमराइजेशन, जिससे एक्टिन मॉलिक्यूल का एक्टिन माइक्रो फिलामेंट बनता है। किस तरह से, इस तरह से एक्टिन माइक्रो फिलामेंट बनाता है, ये किससे बना है, एक्टिन से बना है। तो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट से एक नोब लाइक जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, इसके बाहर क्या होते हैं, ये बिंडिंग प्रोटीन, तो बिंडिंग प्रोटीन यहां बाहर प्रेजेंट होते हैं हमारे। अब इसके बाद देखो, ये तो एग्रोसोमल रिएक्शन एग जेली से
कॉन्टेक्ट के लिए हुई, ठीक है भाई। एक्सजेली का डाइजेशन भी हो गया एक्रोजाइम एंजाइम इस रिएक्शन से। अब एक्सजेली के बाद मेम्ब्रेन कौन सी आती है हमारी, वाइटलिन एनवलप, जिसको हम ह्यूमन बीइंग में जोना पेलुसिडा बोलते हैं। तो वाइटलिन एनवलप क्या है, एक प्रोटीनिशियस लेयर है हमारी। वाइटलिन एनवलप वाइटिलिनोजेनेसिस प्रोसेस से बनती है, गोल्जी बॉडी से। तो इंटरेक्शन बिटवीन दी, यहां हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग, इंटरेक्शन बिटवीन दी वाइटलिन एनवलप एंड स्पर्म, ठीक है भाई। और स्पर्म का हमें क्या दिखता है यहां पे, एक नोब लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ, ये एक स्पर्म है, इस तरह से एक नोब लाइक फॉर्म हुई है। अब एग जेली बाहर डाइजेस्ट हो चुकी है, अंदर क्या बचा हमारा, वाइटलिन एनवलप, ये वाइटलिन एनवलप है, और अंदर क्या है, उलेमा, उलेमा। अब वाइटलिन एनवलप यहां क्या थे हमारे, बिंडिंग प्रोटीन, ये बिंडिंग प्रोटीन है, और यहां प्रो न्यूक्लियस एंड, और इस न्यूक्लियस है स्पर्म का बिंडिंग, और यहां होता है एक रिसेप्टर इन बिंडिंग के लिए, इन बिंडिंग के लिए क्या है, रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का नाम होता है EBR1, ठीक है भाई। ये क्या है EBR1 रिसेप्टर, बिंडिंग एज ए लाइगेंड है, ये लाइगेंड, और यहां EBR1 रिसेप्टर। तो EBR1 रिसेप्टर जैसे इंटरेक्शन हुई, बिंडिंग एक प्रोटीन है, तो इन इंटरेक्शन के बाद हमारी वाइटलिन एनवलप जो है, यहां से हमारी वाइटलिन एनवलप और स्पर्म मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, यहां से वाइटलिन एनवलप डिग्रेड हो जाती है, और साथ में ये बिंडिंग क्या करवाता है, जैसे EBR1 यहां इसने बाइंडिंग की, और उसी तरह से यहां एग मेम्ब्रेन को भी ये डाइजेस्ट कर देता है। तो स्पर्म और एग मेम्ब्रेन का यहां फ्यूजन हो जाता है। तो बिंडिंग प्रोटीन ने यहां दो काम किए, एक तो इस वाइटलिन एनवलप एग मेम्ब्रेन का फ्यूजन करवाना इस स्पर्म मेम्ब्रेन के साथ, और दूसरा क्या करता है, बिंडिंग यहां एक स्पीसीज स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है, स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, ठीक है भाई। तो यहां भी हमें तीन जगह पे स्पीशीज स्पेसिफिसिटी मिलती है, एक हमारी रिसेप्ट प्रोटीन से, दूसरा हमारा जब एग जेली के साथ कॉन्टेक्ट होता है तो जो फ्यूकोज सल्फेट होता है वो भी स्पीशीज स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है, और थर्ड कहां पे, जब बिंडिंग का और इस EBR1 का इंटरेक्शन होता है, तो थर्ड स्पीशीज स्पेसिफिसिटी यहां देखने को मिलती है। अब एग मेम्ब्रेन के साथ वो क्या कर गया, फ्यूज कर गया है, तो फ्यूजन के बाद क्या होना है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम एक प्रोसेस हमने ह्यूमन बीइंग में भी पढ़ा था, पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी जो है, पॉलीस्पर्मी का क्या मतलब था कि एक से ज्यादा स्पर्म जो है वो हमारे एग के अंदर फ्यूज ना करें, तो उस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हमारी एग जो है वो कुछ मैकेनिज्म उसमें रन होते हैं। मैकेनिज्म क्या थे, और पॉलीस्पर्मी अगर कंडीशन आ जाती है तो उसे एक अनवायबल एम्ब्रियो बनता है। मान लो कि दो स्पर्म का कॉन्टेक्ट हो गया, अब यहां से डिप्लोइड आई चीज, और वहां एक प्लोइडी पहले ही है, तो ट्रिप्लोइड कंडीशन आ जाती है। ट्रिप्लोइड कंडीशन एक डिप्लोइड ऑर्गेनिज्म के लिए अनवायबल कंडीशन है, इसलिए पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करना जरूरी है। और पॉलीस्पर्मी जो है वो दो तरीके से प्रिवेंट होती है, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक, और फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक ये दोनों प्रोसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फास्ट ब्लॉक जो है वो विद इन 1-3 सेकेंड हमारी क्या हो जाती है, प्रिवेंट करती है, इतना फास्ट होता है प्रोसेस। फास्ट कैसे, जब स्पर्म का एग के साथ फ्यूजन हुआ तो विद इन 1-3 सेकेंड हमारे ये किसी अदर स्पर्म को वहां एंट्री नहीं देती, और वो कैसे हुआ था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होने से। ये एक एग थी हमारी, इस एग के अंदर हमारा पहले क्या पोटेंशियल था,
यहां कंडीशन ये थी कि अंदर प्लस था, सॉरी माइनस था, बाहर प्लस था, तो इसके कारण इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो -70 मिलीवोल्ट था। लेकिन जैसे ही पंप का यहां फ्यूजन हुआ तो यहां सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, जिससे सोडियम अंदर मूव करता है। इस सोडियम अंदर मूव करने से अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है और बाहर नेगेटिविटी बढ़ती है। तो एक कंडीशन, अंदर पहले नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था, लेकिन अब अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है, तो जो इसका -70 मिलीवोल्ट है ये हमारा +20 मिलीवोल्ट तक चेंज हो जाता है। तो इसके कारण क्या है, एक पोटेंशियल जो है वो मेम्ब्रेन का चेंज हो गया, कोई अदर स्पर्म जो है वहां पे फ्यूज नहीं कर पाता। स्लो ब्लॉक में हमने क्या पढ़ा था, स्लो ब्लॉक में पढ़ा था कि बाहर क्या है, एक वाइटलिन एनवलप है, उसके अंदर हमारी क्या है, उलेमा है, उसके अंदर कॉर्टेक्स है। तो यहां ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो जो है फर्टिलाइजेशन के लिए हमारा, उसमें फर्स्ट वीडियो लेक्चर के थर्ड वीडियो में ये चीज हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिव्यू करवा देता हूं मैं इस चीज को। जैसे ही स्पर्म आया, यहां क्या होते हैं, नेग होते हैं हमारे, ठीक है, वाइटलिन एनवलप है, तो यहां नेग मॉलिक्यूल होते हैं। ये क्या करता है, ये स्पर्म पीएलसी जीटा प्रोवाइड करता है, जो पीआईपी2 को IP3 और डैग में कन्वर्ट करता है। अब IP3 SCR से यहां ये चीज हम कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता ज्यादा इसको, कैल्शियम आयन बाहर आते हैं, ये कैल्शियम आयन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की एक्जोसाइटोसिस कराते हैं, जिससे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है बाहर आते हैं और इन नेग को, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये है ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स में क्या है, प्रोटीएज एंजाइम है, ग्लूकोस माइनोग्लूकोन, ये नेग को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे नेग जो है वो यहां से हमारी डाइजेस्ट हुआ तो कोई अदर स्पर्म आके अटैच नहीं हो पाता। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के थर्ड लेक्चर में, से आराम से डिटेल से की है चीज हमने। दूसरा फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक, तो वहां से आप इस चीज को देख सकते हो, दोबारा से ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे मैंने इस चीज का एक रिव्यू करवाया है। तो ये था कि एक फर्टिलाइजेशन तक का प्रोसेस, अब इसके बाद क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।